एक तरफ शहीदी मार्ग, दूसरी तरफ कॉलेज और साथ में खुलने वाला है ठेका, जिसका विरोध करते हुए आज दादूपुरा गांव के जो ये लोग हैं ये मौजूद हुए हैं। विरोध जरूर किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्ल्स कॉलेज जो है बनवाने की ठानी थी, गांव वालों ने गर्ल्स कॉलेज भी बनवाया, पहला कॉलेज बनवाया लड़कियों की सेफ्टी के लिए, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से शहीदी मार्ग पे ही जो है एक ठेका खुलने वाला है, जिसका विरोध करते हुए आज गांव के लोग जरूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शहीदों का कहीं ना कहीं अपमान किया जा रहा है। नशे से दूर रहने वाला ये गाँव अपने गाँव को बचाने के लिए विरोध ज़रूर करेगा। और बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं गाँव के, उनका यही कहना है कि हम शराब का ठेका या नशे से बिकने वाली या बनने वाली किसी भी प्रकार की चीज़ का सहयोग नहीं करेंगे, और सहयोग करेंगे तो सिर्फ इस चीज़ का कि हमारे गांव की बेटियां देश में अपना नाम रोशन करें पढ़ लिख कर, और नशे की चीज़ें हमारे गांव से दूर रहें। इसी के चलते आप देख सकते हैं तमाम जो ये लोग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये पहुँचे हैं, और इनका यही कहना है कि हम शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। नमस्कार, मैं सुरम वोट्स न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। आइए चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। आर्य समाज दादूपुर गांव में खुलने जा रहा है ठेका, हम उसी के विरोध में हम संसद संजय भाटिया जी से मिले थे, उसको विज्ञापन दिया, और उपायुक्त महोदय डीसी साहब से मिले, उसको विज्ञापन दिया कि हमारा गांव रतन श्री पद्म श्री से अवार्डिड है पूरे भारत में, तो यहां कभी कोई नशे की चीज़ नहीं बिकती, तो आगे भी हम जो मैं समाज सेवा संगठनों से जुड़े हूँ इसी कर का मैं भी ये सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में कभी भी ऐसा ठेका न खुले, और डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि हम नहीं खुलने देंगे, और एमपी साहब ने हमारे को ये संजय भाटिया ने भी दिया है, योगेश राणा ने भी यही हमारे को आश्वासन दिया है कि यहाँ ठेका नहीं खुलेगा। और अभी सिरसी गाँव से कुछ शरारती तत्व वहाँ एस ठेका खोल रहे हैं, तो एस ठेका हम अपने गांव में नहीं खुलने देंगे, क्योंकि वहाँ शहीद स्मारक नजदीक है, वहाँ शहीदों का अपमान है, जो हमारे गांव के शहीद हो रहे हैं कर्नल विंग कमांडर, तो वहाँ उस पर गिलास दर दर का पियेंगे, वहाँ महिलाएं बच्चे पार्क में जाते हैं तो बच्चियों के लिए भी वहाँ परेशानी है, और लड़कियों भी, और तो हमारे गाँव में कन्या महाविद्यालय महर्षि दयानंद के नाम से पहला विद्यालय खुला है, जो भारत में महर्षि दयानंद के सरकारी महाविद्यालय है, वो हमने संघर्ष करके कन्या महाविद्यालय ये डीएवी का उसकी सब के ले का पूरे भारत का सहयोग लेकर के हमने कन्या महाविद्यालय महर्षि दयानंद का कॉलेज खोला, उसके लिए जमीन अलॉट करवा के, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि जहाँ ऐसे ऐसे कन्या महाविद्यालय हो महर्षि दयानंद के नाम से, और वहाँ अगर दारू बिके नशा बिके तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। कॉलेज के पास खुल रहा है ठेका? नहीं, ये सीधी समारक के पास खुल रहा है, मैन रास्ते पर सिरसी गांव के पास खुल रहा है, जमीन हमारी है, हमारा रास्ता है, वो मम नहीं खोल देगी, इसमें शहीदों का अपमान हो, वहाँ दारू दर दर के पिए लोग तो अच्छा नहीं है, इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है एम पी साहब से भी, संसद साहब से भी, और यहाँ के प्रधान योगेश राणा जी से भी कि हमारे गांव में ठेका ना खोला जाए, ना खोला जाए हमारे गांव में नशा ना भी। आज यहाँ किससे मिलने आए? यहाँ डीसी साहब से, संजय भाटिया साहब से, योगेश राणा जी से, हमने एमपी साहब से भी, हम तीनों से मिले हैं, तीनों ने हमारे को यही आश्वासन दिया, ज्ञापन दिया, ज्ञापन है हमारे पास, माननीय सांसद जी के हाथ से जो है उपायुक्त को दिया गया, और आश्वासन किया कि भविष्य में जो हम भी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे सहमत हैं। पहले तो किसी ने कोशिश नहीं की थी कि नहीं नहीं नहीं, पहले ड्राई है, पहले से ऑलरेडी ड्राई है, पॉलिसी में ही हमारा गांव ड्राई है, लेकिन हमें भी थोड़ा अंदेशा हुआ कि किसी ने बताया, लेकिन अब पुष्ट खबर है ये कि ये मंजूर हुआ हमारे गांव, लेकिन वो दूसरी सीमा, सीमा हमारी लगती है दूसरे गाँव वालों में रखा है, सब ठेका सिरसी गांव के वो जगह उसका दरवाजा खोला गया, उसका वो हमारी जगह है, उसका रास्ता नहीं है, वो हमने मोड़ ले रखा है, हमारे खरीदे रास्ते पर खोल रहे, क्योंकि उसमें मिट्टी गिरवाई है, 1,36,000 की मिट्टी गिरवाई, उसमें रोडा गिरवाया, उस पर्सनल रास्ते पे भी हमारा वहाँ ठेका खोल रहे हैं, वो कोई सरकार का रास्ता नहीं है भी, वहाँ ठेका खोलो पर्सनल रास्ते पर, हम उसमें ठेका नहीं खोल रहे, साथ ही शहीदी स्मारक है, हाँ हमारे गाँव की बजाय कहीं और खोल दे, उससे मामला कोई राज नहीं है, लेकिन हमारे गाँव में ठेका नहीं होना चाहिए, हमारा यही विरोध रहा, जब हमने प्रधानमंत्री तक जाना पड़े हम डटे रहेंगे, ठीक है, तो हम ठेका नहीं खुलने देंगे, अभी तक हमारे गांव में ठेका खुल रहा है, अभी तक हमारे गांव में कोई ठेका नहीं है, नशा नहीं बिकता। आश्वासन दिया आपको?
डीसी साहब ने ये कहा कि हम उस पर गौर करेंगे, हम नहीं खुलने देंगे ठेका। और एमपी साहब ने भी यही कहा, योगेश राणा जी ने भी यही कहा, अभी हम ठेका नहीं खुलने देंगे। तो ये है अभी तक हम इनकी बात, तीन दिन इनकी बात देखेंगे, उसके बाद में हम सीधे प्रधानमंत्री जी को और उसके महासचिव को मिलेंगे। कोई बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं? हाँ, बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं, क्यों? मैं चार पांच संगठनों तो निफा से जुड़ रहा हूँ, मैं मानव सेवा संघ से जुड़ रहा हूँ, फौजियों का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए मैं फौजी, और मैं पंचायत के जो नुमंदे हैं, पंचायत के लाटर पेट पर दिया है, पंचायत की भी हमारी बेटी जो बन रही है वो आर्य समाज ही है, जिसमें अभी एक भी बोतल हमने दारू की नहीं बेचने दी। ये बिना दारू के जो गाँव में पंचायत बनी है, हमारे गाँव की जो है बिना नशे के हमारे गाँव में पंचायत जो बनी है, उसमें कोई नशा नहीं बिका, कोई दारू नहीं बिकी, वो दूध और चाय चली है, वहाँ दूध और चाय पिया लोगों ने, तो इसलिए वो बच्ची बन रही है, तो हम उसी बच्ची का सहयोग करेंगे। और महर्षि दयानंद महाविद्यालय कॉलेज बन रहा है, तो उसका भी हमारा आन बान शान रहेगा, जहाँ बच्चियों का कॉलेज हो और वहाँ ठेका चले तो अच्छी बात नहीं है। वहाँ भारत, पूरे भारत में महर्षि दयानंद के नाम से एक ही कॉलेज है, ये ठीक है। ये आपने सुना, इन लोगों का क्या कुछ कहना है? आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से शहीदी मार्ग है वहीं पर, और वहीं पर आप सोच सकते हैं कि गर्ल्स पढ़ रही हैं, बच्चे बड़े सभी लोग पार्क का यूज करते हैं, और वहीं पर ठेका बनाने की सोची जा रही है, वो भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा। और इन लोगों की बात जो है आप तक पहुँचाई है, इन लोगों की बात से आप कितना सहमत है कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि वहाँ पर ठेका खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, और इन लोगों के द्वारा आगे क्या कुछ किया जा सकता है आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वोट न्यूज़। कैमरामैन प्रवीण के साथ धन्यवाद।